बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं आलू मटर का बहुत ही मज़ेदार पुलाव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटर पुलाव के लिए सबसे पहले हम अपने पैन में ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जी तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करेंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जी तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ताकि प्याज का अच्छे से कलर निकल आए। और ये 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनका मैंने पेस्ट बना दिया था, ये शामिल करेंगे। अब इस पॉइंट पे साथ ही हम इसमें आलू और मटर शामिल कर देंगे और इनकी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे। सेवेंटी परसेंट तक हमारे आलू मटर गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपने स्पाइस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट। टेस्ट के लिए हम 1/2 टीस्पून इसमें चाइनीज़ नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा और 1 अदद तकरीबन इसमें जाएगी चिकन क्यूब। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक तमाम स्पाइस के साथ हम अपने आलू मटर को ज़रा भून लेंगे ताकि हमने जो इसमें मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे क्योंकि चावलों का इस्तेमाल हम 1 गिलास कर रहे हैं। पानी को उबाल आ चुका है अच्छे से। अब इस पॉइंट पे हम इसमें चावल शामिल करेंगे। और फ्लेम इस पॉइंट पे हम अपना हाई कर लेंगे। जैसे ही चावलों में पानी ये थोड़ा सा ड्राई होता है तो हम अपने चावलों को दम पे कर देंगे। ये तो चावलों में तकरीबन 90% तक पानी ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे चावलों को दम करने से पहले हम इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें शामिल करेंगे। बिल्कुल आपने इस तरह इनको बारीक चॉप कर लेना है और एक बार आपने बिल्कुल हल्के हाथ से चावलों को हिला लेना है। मैं सब्ज मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट पे इसलिए करती हूँ क्योंकि इसकी जो खुशबू और फ्रेशनेस है वो वैसे ही बरकरार रहती है। अब हम अपने चावलों को तकरीबन 5 से 7 मिनट का दम लगा देंगे। जी तो माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आपको आलू पुलाव की रेसिपी चाहिए, मटर पुलाव की रेसिपी चाहिए, चिकन पुलाव की रेसिपी चाहिए, मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन को लाजमी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।